अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बाबर ख़ान। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज दूसरा रोज़ा है। आज फिर मैं आपके साथ आया हूँ। आज मैं आपको बीफ मीट के बारे में, मतलब आज़ाओं के बारे में बताऊंगा। मतलब क्या चीज़ होती है, मतलब जो इसके पार्ट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब चीज़ें सुनने के बताने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ये हमारे भाई हैं, ये कीमा बना रहे हैं। कीमा बना रहे हैं भाई। ये कीमा जो आप बना रहे हो, ये मतलब कौन से गोश्त का बना रहे हो आप? ये बोंग के गोश्त का है। बोंग के गोश्त का बना रहे हो आप? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या चीज़ है भाई ये? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये इजहार भाई हैं हमारे, इजहार भाई। ये माशाल्लाह से कीमा बना रहे हैं और बोंग का कीमा बना रहे हैं। बोंग का वैसे तो देखा जाए ना, बोंग जो है ना ज़्यादातर नहारी के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका कीमा भी अच्छा होता है क्योंकि बहुत आसानी से, मतलब खाने में बहुत अच्छी आती है। ये पुट है, पुट यानी कमर। ये पर्दे हैं। ये इन्होंने कीमा बनाया है, बोंग का कीमा, दानेदार दानेदार कीमा। ये बोटियां किसकी पड़ी है? ये बोंग का कीमा भाई, चाचा उठा रहा भाई। इधर भाई, ये क्या चीज है? ये भाई चांप है, माशाल्लाह चांप। मछली से ज्यादा कांटा होता है इसमें, बाकी सब गोश्त ही गोश्त है। देखिए ये दार भाई बता रहे हैं, ये चाप है। और ये क्या उठाया है दार भाई आपने? ये गर्दन है, ये गर्दन। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। गुर्दे कहाँ है इसके? गुर्दे गुर्दे दिखाएं जरा। ये देखें आप, गुर्दे देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे माशाल्लाह, नल्ली काट रहे हैं ये। असल में लोगों को सही से पता नहीं है, लोग बोलते हैं कि यार बगैर हड्डी का गोश्त, बगैर हड्डी का गोश्त, लेकिन सही मानों में जो है ना,
हड्डी वाला जो गोश्त होता है ना उसमें जायका बहुत होता है, लजीज होता था। हड्डी जो है ना जायका छोड़ती है, अपना टेस्ट छोड़ती है। ये देखिए आप, ये बोंग है जी। अब आप बोलो नहीं भाई, बड़ी मेहरबानी है भाई। इजार भाई ये पुट है ना, देखिए आप कितनी जबरदस्त पुट है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। बछड़ा काटा है यार, बछड़ा। मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ना, आप जो है ना मंडी लेकर जाऊंगा, अब मंडी लेके जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कहां से आ रहा है जानवर और कहां से नहीं आ रहा। हम लोग कहां से जानवर लेकर आते हैं, हम लोग खुद काटते हैं, असल में हम लोग कमेले से नहीं लेते। हम लोग कमेले से नहीं लेते, अपना जानवर खुद यहीं काटते हैं अपनी शॉप के ऊपर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों के ताउन से मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक भी काफ़ी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी हो गए हैं माशाल्लाह से। बस आप सब लोगों से गुजारिश है कि मज़ीद इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आगे शेयर पर शेयर करें। ये दिखाएँ, ये देखें चाँप, देखें माशाल्लाह से। चले इसके साथ अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर अगली चीज़ों के साथ। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है आप सब लोगों से, आप सब की दुआओं का शुक्र गुज़ार हूँ मैं। अल राज़िक चिकन एंड बीफ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।